हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेल्दी बाइट्स पे डिस्कस करेंगे लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी। मैं गॉल ब्लैडर के अनेकों ऑपरेशन करता हूँ और मेरे पास आमतौर पे पेशेंट्स कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि हमें बार बार दोहराने पड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट्स उन सभी चीज़ों को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं और उनको इस चीज़ की एक करेक्ट जानकारी नहीं होती। बहुत सी बार वो गूगल या बाकी चीज़ों पे निर्भर करते हैं एंड समटाइम्स वो इतनी इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन। सो सबसे पहले जो पेशेंट्स का कंसर्न होता है कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद उनकी डाइट में क्या चेंजेस आएंगे, वो ऑपरेशन के बाद में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं और क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर है कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई फैट तला भुना या कोई फल फ्रूट या कोई विशेष सब्जी, इस तरह की किसी भी चीज़ का कोई विशेष प्रिकॉशन या मनाही नहीं होती। आप ऑपरेशन से पहले जिस प्रकार से भोजन का सेवन करते हैं, आप उसी प्रकार से गॉल ब्लैडर के निकलने के बाद में भी सारी चीज़ें सारी वस्तुएं खा सकते हैं। गॉल ब्लैडर जो पित्त को स्टोर करता है, अब उसके निकल जाने के बाद कुछ दिनों के लिए हम पेशेंट को सेमी सॉलिड डाइट, सॉफ्ट डाइट लेने का एक एडवाइस देते हैं और ये बताते हैं कि आप ओवर ईटिंग मत कीजिए, आप ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मत कीजिए। जब तक बॉडी आपकी एडजस्ट ना हो तब तक बाजार का खाना अवॉइड कीजिए और हम हमेशा यही एडवाइस देते हैं कि पेशेंट को बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो सभी पूछते हैं वो ये कि सर, गॉल ब्लैडर सर्जरी होने के बाद हमारे लिवर पे क्या प्रभाव आएगा, कहीं हमारा लिवर अफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? तो इसमें मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लिवर है उसके अनेक फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है बाइल, यानी कि एक रस को बनाना जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। ये बाइल लिवर बनाता है, इसकी पैदावार में गॉल ब्लैडर का कोई भी रोल नहीं है। गॉल ब्लैडर महज उसको अपने अंदर स्टोर करता है और गाढ़ा करता है। तो गॉल ब्लैडर जिसके अंदर की स्टोन बन गए, सूजन आ गई, अब उस गॉल ब्लैडर के निकल जाने की वजह से पित्त का या बाइल का लिवर के द्वारा बनने में कोई भी चेंज नहीं आता है, लिवर किसी भी रूप से अफेक्ट नहीं होता और वो अपना काम बिल्कुल सुचारू रूप से नॉर्मल ढंग से करता रहता है। तीसरा आम क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सर, हमने सुना है गॉल ब्लैडर के निकल जाने के बाद हमें गैस बनने लगेगी, हमारा पेट जो है वो फूला रहेगा। ऑफ कोर्स इस तरीके से कई लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, भयभीत होते हैं और उनकी जानकारी में अगर किसी ने पहले से ही ऑपरेशन कराया है वो भी उनको इस एहसास का बताते हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट और भी ज़्यादा चिंता करता है। देखिए, पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, पेट में भारीपन आना, ये सारी चीज़ें कई कारणों की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इनका डायरेक्टली गॉल ब्लैडर से कोई लिंक होना अनिवार्य नहीं है। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होने के बाद अगर किसी को गैस बन रही है या पेट फूल रहा है या ये लग रहा है कि डकारे ज़्यादा आ रही हैं, तो दैट डज नॉट मीन कि ये सारा कुछ गॉल ब्लैडर हटने के बाद है। अनेक इस तरीके के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर गॉल ब्लैडर भी है, जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो गैस बनना, पेट का फूलना इज नॉट बिकॉज कि गॉल ब्लैडर हट गया है, ये किसी और कारणों की वजह से भी हो सकता है जिसका कि बाद में दवा से आराम दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पेशेंट्स पूछते हैं कि सर,
हमें ऑपरेशन के बाद हीलिंग में कितना टाइम लगेगा। तो आमतौर पे जब हम दूरबीन से या लेप्रोस्कोपी से गॉलब्लैडर को ऑपरेट कर देते हैं, पेशेंट ऑपरेशन वाले ही दिन चलना फिरना, अपना नॉर्मल टॉयलेट जाना स्टार्ट कर देता है। आमतौर पे अगले दिन छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने पे घर जाके पेशेंट स्टेयर्स को चढ़ना या उतरना, एक रूम से दूसरे में जाना, अपनी कार में बैठ के ट्रेवल करना या बाइक के पीछे बैठ के ट्रेवल करना, ये सारी चीज़ें कर सकता है। एक या दो दिन के बाद जब पेन का एहसास ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो किचन के अंदर काम करना, लाइट ऑफिस वर्क करना, ये सारी चीज़ें आमतौर पर स्टार्ट हो जाती हैं। एंड यूजली 3 से 4 दिन के बाद में मेजॉरिटी पेशेंट्स अपने अपने काम पे वापस जा सकते हैं। कुछ एक हैवी वर्क जैसे कि पानी की भरी हुई बाल्टी को हटाना, भारी सिलेंडर को उठाना, एकदम भारी किसी चीज को धक्का देना, ये चीजों को अवॉइड करना है ताकि पेट पे एक असामान्य जोर या स्ट्रेचिंग ना पड़े। लेकिन नॉर्मल गतिविधियां आमतौर पे आप सर्जरी के तुरंत बाद स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर, क्या हम जिम एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप सर्जरी के बाद जैसे ही पेन फ्री हो जाते हैं, जो एवरेज 5 से 7 दिन लेता है, जब आपको बिल्कुल सर्जरी का एहसास ख़त्म हो जाता है, तब आप कंफर्टेबली लाइट जिमिंग, लाइट एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। योगा में जितने भी आपके आसन हैं या आप जो भी प्राणायाम में चीज़ें करते हैं, वो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में रीस्टार्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 14 दिन के बाद आप जिम में हल्का वेट्स को लिफ्ट करना, अपने कॉन्फिडेंस को धीमे धीमे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर अबाउट 3 to 4 weeks आप अपने जिम में वापस से वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि आप सर्जरी से पहले करते थे। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या सर हमारे दोबारा भी स्टोन बन सकते हैं? वेल, जैसे मैंने बताया, गॉल ब्लैडर की सर्जरी में हम पूरे पित्ताशय को यानी कि गॉल ब्लैडर को ही हटा देते हैं, तो गॉल ब्लैडर शरीर के अंदर नहीं बचता, तो गॉल ब्लैडर के अंदर तो दोबारा स्टोन होने का कोई चांस नहीं बनता है। हाँ, जो पित्त की नली है उसमें कुछ रेयर कंडीशंस में स्टोन बन सकता है। इसमें मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आमतौर पे लोग गॉल ब्लैडर के स्टोन और किडनी के स्टोन को आपस में कंफ्यूज करते हैं। गॉल ब्लैडर पाचन क्रिया का एक इम्पॉर्टेंट अंग है, जबकि किडनी पेशाब या कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। तो ये दोनों ऑर्गन्स अलग अलग हैं। किडनी के स्टोन का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है और गॉल ब्लैडर के स्टोन का ट्रीटमेंट सर्जरी जो कि लेप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है, दूरबीन विधि से होता है। तो किडनी के स्टोन को गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ में कंफ्यूज नहीं करना है और ना ही ये दोनों का आपस में बनने का कोई भी रिलेशन होता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पेशेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको भी आंसर करूँगा। थैंक यू।